हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू बैक माय एसपी दिल्ली राइडर चैनल। एंड और आप सभी का प्यार बहुत मिल रहा है मेरे को, वीडियो में देखने में दिख रहा है कि आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें। और आज डे है 3, हम माता के दर्शन करने। एक्चुअली रात का मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि हम लेट 10:30 बजे तक होटल में ही पहुँचे थे और होटल में पहुँचने के बाद फिर काफ़ी टायर्ड हो गए थे, बहुत थक गए थे यात्रा करके मतलब। और फिर उसके बाद हम होटल में आए, फिर थोड़ा फ्रेश व्रेश होकर खाना खाने चले गए थे, वो फिर 12 बज गए थे, वीडियो बनाने का समय ही नहीं मिला। तो अभी हमारा प्लान है जाने का, क्या शिवखोड़ी हम जा रहे हैं और लगभग सब रेडी हो चुके हैं, बैग पैक हो चुके हैं, आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद हम अभी शिवखोड़ी के लिए निकल देंगे, बस 15 मिनट में गाड़ी रेडी है नीचे सर, बस लैगेज, अभी लैगेज भी हमारा रेडी हो गया, लैगेज हम फिर डालेंगे गाड़ी में रख देंगे। फिर काफ़ी ठंड भी हो रही है, मतलब कल भी ऐसे ब्लॉगिंग कर रहा था, कप कप भी हो रही है, बोला भी नहीं जा रहा, ठंड लग रही है काफ़ी, अब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी लग रहा है। और मैं एक बार जय माता दी के तुम्हारे को दोबारा नए साल पे लास्ट ये दर्शन करा देता हूँ, ये पहाड़ के जहाँ पे वो सामने माता रानी पहाड़ों पर बैठी हुई हैं। और ये देखिए माता रानी के दर्शन कीजिए, और ये देखिए, ये देखिए ये सामने इस पहाड़ दिख रहे हैं ना सबने चोटी के ऊपर, सब में वहाँ पर चोटी पर जाना पड़ता है। फिर उसके बाद दूसरा भी एक पहाड़ है जिसपे भैरव बाबा और भवन है, फिर वहाँ पे जाके हम दर्शन करते हैं। अभी हम सिर्फ थोड़ी सी आज चले जाएंगे, फिर वहाँ के दर्शन करेंगे, शिव जी का मंदिर है बहुत अच्छा, वहाँ की अलग वीडियो आज डे 3rd की वीडियो बना के डालूंगा और आपको उसका व्यू भी कराऊँगा मैं सिर्फ थोड़ी का। और ये आप देखिए, फिर मैं जब हम स्टार्ट कर देंगे और तो मैं थोड़ा व्यू भी कराऊँगा गाड़ी का, और गाड़ी में व्यू आपको, ये 80 किलोमीटर है यहाँ से शिवखोड़ी, और वहाँ पे जाते जाते आपको रास्ते के भी व्यू कराऊंगा। इसमें बहुत अच्छा मौसम और बहुत अच्छी घाटियाँ आएंगी, फिर आपको एक नेचर टीका आप अलग ही फील और आनंद मतलब टाइप करते हुए भी ले सकते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। और फिर इसके बाद चलो हम पहुँचते हैं, फिर हमें 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, 3 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर चढ़ना, 3 किलोमीटर चढ़ना शिव जी की, बहुत अच्छी गुफा है। आपको गुफा के तो दर्शन नहीं कर पाऊँगा, अलाउड नहीं है कैमरा, लेकिन फिर भी मैं आपको उसमें दर्शन मतलब चढ़ाई करते हुए दर्शन दिखा दूँ। और उसके साथ बहुत अच्छी एक नदी भी आती है जिसका बहुत अच्छा व्यू है, वहाँ पे आप साइड में भी बैठ सकते हैं, नदी के साइड भी किनारे में जा सकते हैं। और फिर हम आप जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो आपको नदी का भी व्यू कराऊँगा। और विक्रांत भाई आप रेडी हो चुके हो, अभिलाष भाई चले सब रेडी, अरे हम जा रहे हैं शिवखोड़ी। जय माता दी, हमारे यहाँ का जय माता दी का यात्रा समाप्त हो गई है। चलो फिर ठीक है, हम मिलते हैं आपको, एक नेचर टी और व्यू कराएंगे आपको हिल पहाड़ों का और बहुत अच्छा। तो अब मिलते हैं इस अगले वीडियो। ये आप देख सकते हैं सामने कौरव चौक है, यहाँ से जय माता के लिए हम जाते हैं यात्रा करने के लिए। और यहाँ पर्ची कटती है कौरव चौक पे, माता रानी दर्शन के लिए पर्ची कटवाना अनिवार्य है। भाई बहुत आ रहे हैं और बहुत आपको मिल जाएंगे। ये देखो हमने बंदरों को थोड़े से बिस्कुट डाले और बंदर पीछे पीछे आ रहे हैं, आप देख सकते हो। देखो
जो नदी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चिनाब नदी है और ये सीधे पाकिस्तान के लिए निकल जाती है यहाँ से आते हुए ऊपर। ये आपकी चिनाब नदी का हेलो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं शिवखोड़ी के यहाँ पे पार्किंग में। अब पार्किंग में गाड़ी लगा दी है हमने। अभी पार्किंग में बस 5-7 मिनट बाद हम थोड़ा सा हल्का सा रुक के पार्किंग में लगा के या फिर हम यात्रा के लिए निकल लेंगे, शिवखोड़ी की यात्रा करेंगे। और आपको दिखा देता हूँ, ये पहले से ज़्यादा यहाँ पर मैं 1.5 साल पहले आया था, लेकिन इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। थोड़ी बहुत ही फैसिलिटी थी, रोड पर गाड़ियाँ लगानी पड़ती थी, अब पार्किंग और होटल्स इस पर रात को रुकने का समय भी, मतलब रात को भी रुक सकते हो आप। काफ़ी होटल हो गए हैं। पहले ये था कि यहाँ से जल्दी निकलना पड़ता था कटरा से और शाम तक पहुँचना पड़ता था वापसी, तो इस वजह से यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत होती थी। लेकिन पार्किंग होटल अब सब कुछ बन गया, आप देख सकते हैं। ये पार्किंग का हमने अंदर गाड़ी लगा दी है, ये सारी दुकानें और ये मार्केट है। और ये यहाँ से गेट द्वार है, मैं गेट द्वार दिखा देता हूँ। शिव सामने शिव गेट द्वार है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और गाड़ी हमने यहाँ पार्किंग में लगा दिया, भाई आपको दिखा देता हूँ पार्किंग में कहाँ लगाई है। और एक पार्किंग पीछे भी है, लेकिन हमने पीछे लगाई नहीं थी कभी, क्योंकि अभी इतना रश नहीं है। पार्किंग आगे अवेलेबल थी और यहाँ पे हमने पार्किंग लगा दी। और इसी के साथ एक जैसे जैसे हेलो, अब ये व्यू देखिए आप। अब हम यात्रा कर रहे हैं, सिर्फ पड़ गए 1 किलोमीटर चढ़ गए, 2 किलोमीटर और रह रहा है, 1.25 घंटे में पहुँच जाएंगे और सांस भी चढ़ रहा है। और ये देखिए, तुम्हें व्यू कराता हूँ मुझसे जगह का, चढ़ाई करते वक्त क्या ग्रीनरी। अरे भाई अंकित भाई, और कैसे लग रहा है अंकित भाई? नहीं लग रहे कोई डंक मेरे? और बताओ ऐसे चढ़ोगे क्या? अरे 2 किलोमीटर है तो जगह। अरे भाई की स्माइल, चलो ठीक है, मैं आपको व्यू कराता रहूँगा जगह जगह का थोड़ी थोड़ी देर में इसी वीडियो में। ये देखो अंकित भाई, अंकित भाई फोटो, अभी 2.5 किलोमीटर हमें पार करना है, गहरा अभी थोड़ा सा। ये देखो कल के पैर अभी सीधे नहीं हुए थे, इन्हें सरप्राइज दे दिया हमने, सरप्राइज कि 3 किलोमीटर और चढ़ना है, 3 किलोमीटर और उतरना है। अब ये देखो इनकी हंसी छूट रही है, चढ़ा जा नहीं रहा, कैसे करें भाई। ओके मिलते हैं अभी। देखो यहाँ से
ये ऊपर तो पेड़ लगे हुए बता देंगे आपको अभी तो। अभी मैं कैमरा वापसी रखने जा रहा हूँ क्योंकि अलाउड नहीं है ना मोबाइल अलाउड कर रहे और ना ही कुछ और, खाली पर्स शायद अलाउड है, बाकी मैं दे देता हूँ वापसी रखने के लिए उनको। अभी तो दो तीन जने गए हुए हैं, अभी तक आए नहीं है वो, फिर दोबारा हम चलेंगे। और आप ये देख रहे हो ऊपर, ये पुरानी वाली गुफा है, पुरानी वाली गुफा है ये, और यहाँ से बंद कर दिया है इन्होंने रास्ता, क्योंकि पहले यहाँ से जाते थे, पतली सी गुफा थी बहुत, नौ देवी की तरह जैसे कुआरी की गुफा है उसी की तरह पतली सी गुफा है, उसमें ऊपर चढ़ना पड़ता है, अंदर निकलना पड़ता है, बहुत एडवेंचरस होता है, अंदर अलाउड ही नहीं होता, तो इस वजह से अलाउड नहीं होता। तो मेरे को कैमरा वापसी देना आ रहा हूँ, मैं भाइयों को दे दूँगा, भाइयों को देना पड़ेगा कैमरा की वापसी, फिर हम दर्शन करने के लिए निकलेंगे। भाई कैमरा अलाउड नहीं है अंदर, कैमरा अलाउड नहीं है, आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं दर्शन करके आता हूँ, अब हम दर्शन करके आ गए और हम नीचे की साइड हम निकलते हैं, अगर हम सब खड़े हैं, बस हम अपने अभी भाई का इंतजार कर रहे हैं, अभी भाई आते नहीं, हम फिर नीचे ही नहीं उतरने चालू कर देंगे, और फिर हम फिर थोड़ी बहुत नीचे उतर के वहाँ से गाड़ी लेके फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं, फिर आप बस वीडियो का व्यव कराऊँगा। चलो ये देखिए पुरानी वाली गुफा थी, ये देखिए ये बंद कर दी है इन्होंने, पहले यहाँ जाते थे, अब आगे आगे से बस वो अंदर का व्यू करा रहे हैं, गुफा का नहीं करा रहे हैं, ना जाने दे रहे हैं गुफा में, ठीक है। मैं अब आके आपको थोड़ा सा व्यू कराऊंगा वापसी जाते हुए। अब देखिए अब 1 किलोमीटर में उतर चुका हूँ, और आपका ये ब्यूटी देखिए, यहाँ की आप ब्यूटी देखिए, क्या मस्त ब्यूटी है, और यहाँ पे थोड़ा ग्रीन व्यू हो गया है, और हम उतर रहे हैं, अभी 1.25 किलोमीटर आ चुके हैं, और आप तो देखो ये छोटे छोटे से जानवरों से भी मिलवाता हूँ मैं, देखो पूछता हूँ, ये देखो ये देखो ये देखो ये व्यू देखिए, आ रहे हैं धीरे धीरे, हम उतर रहे हैं नीचे की साइड, ये सामने चमका पड़ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो ऐसे बन रहा होगा। हाँ तो अब देखते रहिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है उतरते उतरते, और पैर भी थोड़े से जम जाते हैं, जमने क्या मतलब कि घुटनों में दर्द होने लगता है काफ़ी ज़्यादा, और पैरों में पंजों में दर्द होने लगता है, लेकिन नीचे जाके जब हम होटल वोटल में रेस्ट करते हैं तो वो नॉर्मली मूव वूव लगा के फिर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यार ज़्यादा ही वो हो गया, आराम आराम से उतरते रहो और कंटिन्यू उतरते रहो, थोड़ा रेस्ट कर मतलब हल्का हल्का रुको, हल्का हल्का रुको अभी, और रेस्ट भी करते रहो साथ के साथ, हल्का हल्का रुक के चलो ठीक है। ये देखो ये सब यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं, और इस पानी में मछली भी है, नहीं तो मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। अभी देखो बहुत सुंदर मौसम और व्यू है, और ये देखिए यहाँ से ये कितना अच्छा लग रहा है, और अंकल जब अपनी ड्यूटी में आते हुए फाइनली हम उतर लिए, अब हम वापसी जाएंगे गाड़ी में, थक गए काफ़ी, टायर्ड हो गए, कौन सा ड्रिंक पियेंगे, रेडबुल लिया, किस तरीके से लगवाया टीका देखो, अरे टीका तो ऐसे नहीं है, ये पंडित जी ने खुद लगाया, पंडित जी ने खुद लगाया था अंदर गुफा के, अच्छा ये करके ऐसे करके फेर दिया, अरे शिवजी की तरह लगाओ, शिवजी की तरह त्रिशूल बना हुआ है ऐसे करके, ऐसे कितना औसम टीका लग रहा है ना पंडित जी ने बनाया, मेरा देखो टीका नहीं लगा, मेरा नसीब नहीं था लेकिन भाई का टीका लगा है, ये देखिए। ओके चलो मिलते हैं भाई, मछली आप देख सकते हैं कितनी सारी मछलियाँ हैं, और कितना क्लियर पानी है पीने के लिए, नहाने के लिए, मछलियाँ देखिए आप कितनी सारी मछलियाँ हैं, अरे औसम व्यू बहुत ही प्यारा है,
और ये पानी देखो बिल्कुल नीला और हरा सा दिख रहा है। रोहू ग्रास मछली है। कितनी सारी मछलियाँ हैं, जबरदस्त। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखो, अरे ये देखो, अरे अरे इधर देखो बाबूजी, जूमिंग देखो इसकी बंद। अरे वाह लॉट कैमरा मौसम मस्त मजा। ये देखिए जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये ओए ऑसम व्यू, लाजवाब व्यू जिसे बोलते हैं। और ये मास्क लगा लिया है।